हेलो एवरीवन, मनोहरी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 107 की। एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एंथैल्पी इज़ कैलकुलेटेड एज, मतलब आपको अगर एंथैल्पी निकालनी है कुछ गिवन पैरामीटर्स से तो आप कैसे निकालोगे। इसमें इन ऑप्शंस की हेल्प से आपको दिया गया है। देखो ये जो आपके वर्ड्स लिखे हैं इसको देख लेते हैं पहले, इसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए में आपका लिखा हुआ है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। मतलब आप ये समझो कि एंथैल्पी जो है वो ये बोल रहा है ऑप्शन ए, यू प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में क्या है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब ये एच की वैल्यू यू प्लस पी इंटू रो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है तीसरा? डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। सी ऑप्शन में बोला है आपसे एच इज इक्वल टू डिफरेंस बोला है, यू माइनस पी इंटू डेंसिटी रो। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला है ऑप्शन डी में डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो यू माइनस ये पी इंटू वी इस तरीके से बोला है। अब यहाँ पे ये देखो इन चारों में से ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो आपका एंथैल्पी के बराबर होता हो। देखो सबसे पहली बात आप यह जानो, एंथैल्पी का मतलब है कि किसी भी कंपोनेंट की या किसी भी आपके पार्टिकल के पास उसकी इंटरनल एनर्जी होना, इंटरनल एनर्जी प्लस, और जब वो फ्लो करेगा या जब वो मूव करेगा तो उसका प्रेशर जो होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, या फिर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये होता है। तो यहाँ पे आप ये देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है आपका, देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो आपका वन अपॉन रो माना जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब पर केजी, इस तरीके से इसकी यूनिट होती है। तो ये डेंसिटी का इन्वर्स होता है। यहाँ पे देखो डेंसिटी का इन्वर्स कहीं नहीं है इन दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब रहा ये, यहाँ पे क्योंकि ये प्लस साइन है आपका इंटरनल एनर्जी से थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट होता है किसी भी फ्लोइंग सिस्टम में, वो एंथैल्पी जो कंटेन करेगा, तो ये नेगेटिव वाला ऑप्शन ये भी कट गया। तो बचा क्या? ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखो यू क्या इंटरनल एनर्जी, पी वो प्रेशर, और वी आपको दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इन एलिमिनेशन की मदद से आपने ये देख लिया ऑप्शन ए जो बैठेगा आपका सही आंसर बैठेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको ध्यान किस चीज़ का रखना था? एंथैल्पी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन या इसका मतलब क्या है, कि किसी भी पार्टिकल या सब्सटेंस जो मूव करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी और साथ में उसकी जो आपकी फ्लो एनर्जी होगी एक तरीके से प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, उसका समेशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।